कैसे स्कूटर से नमकीन बेचने वाले इस बिहारी ने 2,00,000 करोड़ का कारोबार खड़ा कर दिया। राजनेता से लेकर बॉलीवुड एक्टर, क्रिकेटर से लेकर उद्योग जगत में थी उसकी धूम। बेटों की शादी में प्रधानमंत्री से लेकर अमिताभ, शाहरुख समेत कई बॉलीवुड सितारे मौजूद थे। स्कूटर से शुरू हुआ सफर प्लेन और फिर जेल तक पहुंच गया। लाखों लोगों को सहारा देने वाला शख्स कैसे खुद हो गया बेसहारा? अपनी जिंदगी में पैसा कौन नहीं कमाना चाहता, खासकर वो जिसने बचपन से ही गरीबी देखी हो। वो अपने आगे की जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। कुछ लोग काफी मेहनत करते हैं तो वहीं कुछ लोग गलत रास्ता अख्तियार कर लेते हैं। लेकिन आज हम आपको बिहार के एक ऐसे शख्स की कहानी बताने जा रहे हैं जो स्कूटर पर नमकीन बेचा करता था, लेकिन बाद में 2,00,000 करोड़ रुपए का कारोबार खड़ा कर दिया। फिर चाहे बड़े बड़े नेता हो या मंत्री, फिल्म जगत के अभिनेता हो या क्रिकेट जगत के नामचीन खिलाड़ी, सभी उसके आगे नतमस्तक थे। बिहार का एक ऐसा शख्स जिसने रेलवे के बाद सबसे ज्यादा नौकरी देने वाली कंपनी बना दी। एक ऐसा बिहारी जिसके पास 100 रुपए की दिहाड़ी कमाने वाला मजदूर भी अपनी कमाई का 20 रुपया आकर जमा करने लगा। अगर आप अब तक नहीं समझे तो हम आपको बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं सहारा इंडिया के मालिक सुब्रत रॉय की। पैसे से पैसा कमाने, पैसा दिखाने और पैसा उड़ाने में सुब्रत रॉय का कोई तोड़ नहीं, लेकिन यही 2,00,000 करोड़ के मालिक जेल की सलाखों के पीछे कैसे पहुंच गए, आइए आज जानते हैं इनकी पूरी कहानी। देश भर के करोड़ों लोगों ने आंख बंद कर सहारा ग्रुप की कंपनी में पैसा लगाया और आज उन्हें ब्याज तो छोड़िए, मूलधन के लिए भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे सुब्रत रॉय फर्श से अर्श पर पहुंचे और फिर अर्श से फर्श पर आ गए। 10 जून 1948 को बिहार के अररिया जिले में जन्मे सुब्रत रॉय का पढ़ने में कुछ खास मन नहीं लगता था। शुरुआती शिक्षा दीक्षा कोलकाता में हुई और फिर वो गोरखपुर पहुंच गए। उन्होंने गोरखपुर के एक सरकारी कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। साल 1978 में सुब्रत रॉय ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर स्कूटर पर बिस्किट और नमकीन बेचने का काम शुरू किया। एक कमरे में 2 कुर्सियां और स्कूटर के साथ उन्होंने 2,00,000 करोड़ रुपए तक का सफर शुरू किया। बिस्कुट बेचने के साथ साथ सपने बेचने में उन्हें महारत हासिल थी। दोस्त के साथ मिलकर उन्होंने चिटफंड कंपनी की शुरुआत की, साथ ही उन्होंने पैरा बैंकिंग की शुरुआत भी की। गरीब और मध्यम वर्ग को टारगेट किया। मात्र 100 रुपए कमाने वाले लोग भी उनके पास आकर 20 रुपए जमा करने लगे। देश की हर गली में उनकी ये स्कीम मशहूर हो गई। लाखों की संख्या में लोग सहारा के साथ जुड़ते चले गए। जैसे जैसे सहारा का कारोबार बढ़ता गया, सुब्रत रॉय की संपत्ति दोगुनी से चौगुनी होती चली गई। एक दौर ऐसा आया कि उनके एक इशारे पर फिल्मी सितारे हाजिर हो जाते थे। कहते हैं अमिताभ बच्चन का करियर जब ढलान पर था तो सुब्रत रॉय ने उन्हें सहारा दिया। धीरे धीरे राजनीतिक गलियारों में भी उनकी पहुंच बढ़ रही थी। अमर सिंह से लेकर मुलायम सिंह यादव तक सुब्रत रॉय के करीबी हो गए। 2004 में इनके दोनों बेटों की शादी में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तक पहुंचे थे। अमिताभ, शाहरुख समेत कई बॉलीवुड सितारे वहां मौजूद थे। सहारा अपनी लग्जीरियस लाइफस्टाइल के लिए मशहूर होते चले गए। वो भी एक दौर था और ये भी एक दौर है। एक जमाने में लम्बरेटा स्कूटर पर बिस्किट और नमकीन बेचने वाले शख्स ने कई सपने देखे। रईस बनने का सपना, सेलिब्रिटी बनने का सपना, अपना एक साम्राज्य खड़ा करने का सपना। उसने अपने सपने पूरे भी किए और लाखों लोगों को सपना देखने के लिए
प्रेरित भी किया, लेकिन उसी शख्स ने अपने सपने पूरे करने के लिए उन्हीं लाखों लोगों के साथ धोखा किया और धोखाधड़ी के मामले में जेल की हवा भी खानी पड़ी। एक दौर अब का है जब लाखों निवेशकों का पैसा लेकर सुब्रत रॉय बैठ गए हैं और तमाम नियामक एजेंसियां और पुलिस उनके पीछे पड़ी हैं। सहारा में निवेश करने वाले लोगों ने देश के कई शहरों में उनके खिलाफ केस दर्ज करा रखे हैं। नेशनल डेस्क, न्यूज लाइफ, बिहार।